हाँ, तो इस दिन का कितने दिन से आपको इंतजार था? 4 महीने हो गए पूरे। कैसा लग रहा है आज पहला दिन है यहाँ पर नोएडा में इस बिल्डिंग में, और कितनी एक्साइटमेंट है आप क्लास के लिए? क्लास के लिए तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि पढ़ाई बहुत खराब हो चुकी है 2-3 महीने के लिए, लेकिन हाँ दृष्टि का जो हर जगह मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड हाँ भाई बिल्डिंग अच्छी है। वो तो बहुत अच्छी है, दृष्टि फैकल्टीज हर जगह बहुत अच्छी है। और विकास सर की क्लास में आप प्रेजेंट रहेंगे आज? जी बिल्कुल। अच्छा। उसी का तो वेट है बहुत। अच्छा। वहाँ पे हर चीज़ प्रॉपर है, कोचिंग भी और बच्चों का रहने का है जो किराया वो भी मतलब एक अफोर्ड कर सकते हैं कोई भी मिनिमम फैमिली के, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर चीज़ कॉस्टली थी। और रियलिटी जैसे कहते हैं ना कि दृष्टि बाप है कोचिंग का, मैंने सुना है ऐसा कि मुखर्जी नगर में भी नींव उसी ने रखी थी, तो बाप बाप होता है, तो यहाँ पे भी वही काम दिखाई दे रहा है कि हाँ ऐसा होगा। हाँ मतलब हाँ, अब जब नई जगह शुरू करे तो विकास सर तो आएगा ही आएगा, वो तो एक्साइटमेंट अलग होता है। अच्छा, अच्छा। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, 1.5 साल से हम पढ़ रहे हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो भाई मैं हूँ अभी नोएडा में और यहाँ दृष्टि की आज क्लासेस स्टार्ट हो रही है। दृष्टि की आज ग्रैंड ओपनिंग आप देख भी सकते हैं, जरा बहुत ही लंबी पीछे तक लाइन लगी हुई है यहाँ पर स्टूडेंट्स की। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब लोग कितने एक्साइटेड हैं क्लास के लिए। और आज विकास सर की भी क्लास है, उनके भी विकास सर का भी रिव्यू लेने वाले हैं हम लोग। तो वीडियो पर एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। चलिए कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? खुशी। अच्छा खुशी, आज पहला दिन है आज दृष्टि का? हाँ जी, नोएडा में। नोएडा में हमारे लिए नहीं है। अच्छा, आप कितने दिन हो गए पढ़ते यहाँ पर दृष्टि में? लगभग 1.5 साल। 1.5 साल हो गए, तो आपकी क्लासेस कितने दिन, काफी लंबा गैप हो चुका है मुझे लग रहा है ना। तो कैसा लग रहा है आज पहला दिन है यहाँ पर नोएडा में इस बिल्डिंग में, और देखने में ही लग रहा है कि लाइक किसी आईटी सेक्टर से कम नहीं है ना। तो क्या कहेंगे इसके बारे में और कितनी एक्साइटमेंट है आप क्लास के लिए? क्लास के लिए तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि पढ़ाई बहुत खराब हो चुकी है 2-3 महीने के लिए, लेकिन हाँ दृष्टि का जो हर जगह मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड हाँ भाई बिल्डिंग अच्छी है। अच्छा, क्लासरूम वगैरह में घूमे आप इससे पहले? नहीं नहीं, आज पहले दिन ही एंटर करेंगे। पहले दिन। अच्छा, तो माइंड में क्या चल रहा है कि कैसी क्लासेस वगैरह होंगी, क्या कुछ है यहाँ पर, सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या होगा, क्या कुछ चल रहा है अभी माइंड में? हर जगह दृष्टि की क्लासेस अच्छी होती है, सब चीजें अच्छी होती है, तो कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है, सब पता है कि हाँ अच्छा होगा। अच्छा, क्लासेस आपकी किस चीज की क्लास है आपकी? आज हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की है। अच्छा, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है, कौन पढ़ाते हैं ज्योग्राफी? वीके त्रिवेदी सर। अच्छा, तो कैसा पढ़ाते हैं सर? बेस्ट। अच्छा, बहुत अच्छा। और आज अच्छे है। अच्छा, विकास सर की भी आज ओरिएंटेशन क्लास है? हाँ जी हाँ जी। क्या उसका भी वेट है विकास सर की क्लास का? हाँ मतलब अब जब नई जगह शुरू करे तो विकास सर तो आएगा ही आएगा, वो तो एक्साइटमेंट अलग होता है। अच्छा, तो मतलब ज्योग्राफी की क्या, क्योंकि आपकी जो पहली क्लास ज्योग्राफी की है उसके बाद विकास सर की ओरिएंटेशन क्लास होगी। हाँ, तो क्या उससे, हाँ तो क्या उससे ज्यादा विकास सर की क्लास का इंतजार है क्या? ऑब्वियसली यार, विकास सर तो आइडल होते हैं सबके। अच्छा, विकास सर के लिए बहुत एक्साइटेड है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि दृष्टि ने जो यहाँ पर डिसीजन लिया है ये नोएडा शिफ्ट करने का, तब क्या माइंड में था कि पता नहीं क्या वहाँ पर मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और अभी क्या है माइंड में? बेसिकली पीजी एंड रूम्स वगैरह के लिए, लेकिन अब जब सेट हो गए, यहाँ पे सेटल हो गए तो सब अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। और क्या कहेंगी यहाँ पर जो क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई हैं, दृष्टि का ये डिसीजन कैसा रहा, स्टूडेंट के हित में रहेगा नहीं रहेगा? हित में है, जो बात है यूपी के बच्चे भी आ पाएंगे और अच्छे से। अच्छा, सबके लिए पास भी हो जाएगा। एंड हाँ, बस ये कि मुखर्जी नगर का बंद हो गया वो गलत है। अच्छा, थोड़ा सा वो उसके लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं सब लोग। क्या नाम है आपका? मनीषा। अच्छा मनीषा, मनीषा जी आप यहाँ पर दृष्टि का आज पहला दिन है, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि विकास सर भी आने वाले हैं। जी, आप क्लास का वेट कर रहे हैं कि ये सब लंबी लाइन जो लगी पड़ी है सब? जी बिल्कुल। अच्छा, कितने बजे से क्लास है आपकी? हमारी 11:30 से। अच्छा, 11:30 बजे से क्लास है, तो कितनी ज्यादा आप एक्साइटेड हैं क्लास के लिए आज, चूंकि पहला दिन है और इस बिल्डिंग में नोएडा में? जी जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अच्छा, आज यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं नोएडा में? बहुत दिन से वेट हुई था इस चीज का। अच्छा, कब से वेट कर रहे थे, जब से पता लगा होगा कि कब क्लास कब स्टार्ट होगी? जब से पता चला ना कि मैं तो नोएडा में शिफ्ट होने जा रही है, तब से हम वेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब नोएडा क्या शिफ्ट हो चुके हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, कहाँ, पीजी में रह रहे हैं? जी पीजी में। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ का माहौल कैसा है नोएडा का, आप घूमे भी होंगे कितने दिन से यहाँ पर हैं नोएडा में? जी घूमे हैं। हाँ, तो कैसा माहौल लगा यहाँ पर? कुछ मुखर्जी नगर जैसा ही लगा, करोल बाग जैसा भी लगा, मतलब कुछ। अच्छा, कुछ हम। ओके, और यहाँ के जो टीचर्स वगैरह फैकल्टी वगैरह वो कैसी है दृष्टि की? वो तो बहुत अच्छी है, दृष्टि फैकल्टीज हर जगह बहुत अच्छी है। और विकास सर की क्लास में आप प्रेजेंट रहेंगे आज? जी बिल्कुल। अच्छा। उसी का तो वेट है बहुत। अच्छा, तो क्या कुछ सवाल वाल पूछने का मन है क्या विकास सर से? क्या माइंड में क्या चल रहा है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा, मतलब ओरिएंटेशन क्लास है तो वो मतलब ज्यादातर सवाल पूछने का मौका तो देते ही नहीं है। अच्छा, खुद समझ आते हैं कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं वो खुद बता देते हैं। अच्छा अच्छा जी। और
कितना डिस्टरबेंस हुआ इस बीच आपकी पढ़ाई का? डिस्टरबेंस तो बहुत ज़्यादा हुआ, हमें पीजी ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। फिर से मतलब ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया था कि पहले कहाँ पे शिफ्ट होना है नहीं होना है, उस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा अच्छा, तो मतलब और जो बच्चे जो आने की सोच रहे हैं दृष्टि में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि यहाँ पर आने में कोई दिक्कत है या नहीं है, मेट्रो से कितनी दूर है? जी, करोल बाग से आना चाहेंगे तो वो तो ब्लू लाइन पे डायरेक्ट पड़ेगी, आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी नज़दीक में है। अगर करोल बाग से आप आना चाहें तो वहाँ से भी आ सकते हैं, और अगर मुखर्जी नगर से भी करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, बस एक चेंज ही करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और दृष्टि का तो सारी फैकल्टीज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, तो बच्चे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, 1.5 साल से हम पढ़ रहे हैं इसमें जी। और नोएडा का माहौल कैसा है? नोएडा का माहौल लड़कियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, अभी तो मतलब हमें एक महीने हुए शिफ्ट हुए, मतलब हमें अभी तो अच्छा ही लग रहा है मतलब। हाँ, क्या नाम है मैडम? श्रद्धा। अच्छा श्रद्धा, अच्छा श्रद्धा जी, आप आज पहला दिन है दृष्टि का, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, विकास सर की क्लास का इंतजार है क्या? जी, ज्योग्राफी और विकास सर दोनों का। अच्छा अच्छा, तो हाँ, तो इस दिन का कितने दिन से आपको इंतजार था? 4 महीने हो गए पूरे। तो कितना जो गैप रहा है, कितना डिस्टरबेंस हुआ पढ़ाई में, और क्या अभी उसकी भरपाई हो पाएगी? हाँ हाँ, हो जाएगी, ऑनलाइन दे रहे हैं ना सर। अच्छा। हाँ, अच्छे से सब हो जाता है। करोल बाग में भी उनकी कोचिंग चालू थी परमानेंट। अच्छा, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कुछ, बट हाँ थोड़ी बहुत तो हुआ है। आप क्लासरूम्स वगैरह में आज से पहले, क्योंकि आज तो आप क्लास है आपकी, तो क्या पहले घूमे हैं अंदर? अभी नहीं। अच्छा, आप अंदर से नहीं देखा आपने, तो क्या क्या माइंड में चल रहा है अंदर से, किस तरह की क्लास होंगी कि पता नहीं, जैसे करो वीडियो देखी, अच्छी क्लासेस हैं। अच्छा, बड़ी भी है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो जब आप देख रही थी और अभी जब थोड़ा सा एक ये होता है, आप वीडियो देख रहे हैं और अब जो सामने देखेंगे, तो वो जानना चाह रहा हूँ कैसा होगा, देखना है बस अब जाके। अच्छा, क्लास किस चीज़ की आपकी? ज्योग्राफी की। अच्छा, आपकी ज्योग्राफी की है, और जो विकास सर की ओरिएंटेशन क्लास वगैरह होगी, उसमें क्या कुछ होता है जो हमारी ऑडियंस जो देखना चाहे, नए स्टूडेंट जो आते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप पहले भी पढ़, आप कब से हैं पहले मुझे ये बता दीजिए। मेरा 1 साल होने वाला फरवरी से। अच्छा, तो आपको पता ही होगा उस सबके बारे में, तो जरा बताइए उस ओरिएंटेशन क्लास के बारे में। ओरिएंटेशन सर मोटिवेट करते हैं हम लोगों को अच्छे से, और कैसे पढ़ना है ये भी, गाइडलाइंस भी उनकी अच्छी रहती है, हर चीज़ बताते हैं कि किस टाइप से डिस्कशन होगा आपको, मतलब कि और कैसी करनी चाहिए, हर चीज़ अच्छे समझा देते हैं, एक हिसाब से अलग रहता है। ओके, और मुखर्जी नगर से यहाँ पर शिफ्ट होना नोएडा दृष्टि का, क्या ये स्टूडेंट्स के हित में रहेगा, और क्या ये सही डिसीजन था क्या विकास सर का? हाँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जो रूम थे, पीजी थे, काफ़ी कॉस्टली थे, और उनका कोई भी डेवलपमेंट मतलब एक वो नहीं था। यहाँ पे हर चीज़ प्रॉपर है, कोचिंग भी, और बच्चों के रहने का है जो किराया, वो भी मतलब एक अफोर्ड कर सकते हैं कोई भी मिनिमम फैमिली के, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर चीज़ कॉस्टली थी। अच्छा रहा उनका, एक नया चेंजमेंट अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर कोई आप जब आए होंगे, और अब तो यहाँ पर शिफ्ट हो गए होंगे आप, पीजी में रह रहे हैं? नहीं, मैं रूम लिए हूँ, फ्लैट उसी में रह रही हूँ। अच्छा, तो कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप? नहीं, कोई नहीं, आराम से हो जाता है, ब्रोकर वगैरह, और सर ने भी नंबर प्रोवाइड करी थी पीजी की फ्लैट की, तो उससे हो गया था सब। विकास सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे टीचर हैं बस। और क्या, इसके अलावा और क्या फीडबैक रहेगी आपकी विकास सर के बारे में, दृष्टि के बारे में, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? दृष्टि के सारे टीचर्स अच्छे हैं, जो भी विकास सर की फैकल्टी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज, जो भी बच्चों की प्रॉब्लम होती है सारी सॉल्व करते हैं विकास सर, और जो भी टीचर होते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मतलब टीचर का कॉम्पो होते हैं जो वो करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी, फैकल्टी बहुत अच्छी है विकास सर की। आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं एस्पायरेंट हूँ, UPSC एस्पायरेंट, दृष्टि की स्टूडेंट। अच्छा, दृष्टि की स्टूडेंट हैं। ओके, तो यहाँ पर दृष्टि आया है और आज पहला दिन है, आप क्लास वगैरह लेने कब जा रही हैं? जी, कल से हमारा वही मुखर्जी नगर में शुरू हुआ था, उसके बाद फिर वो जो हादसा हो गया। हाँ। फिर अब आज से, कल से हमारा क्लासेस है, आज ओरिएंटेशन क्लासेस सर की, विकास सर की ना। हाँ, कितनी एक्साइटेड है विकास सर के लिए, आप उस क्लास के लिए? इसके लिए तो इतना हादसा हो गया, तब भी मतलब जितने मतलब नेगेटिव सुने, फिर भी कोई ऐसा ज्यादा नहीं पड़ा किसी पे, अभी भी फैंस की कोई मतलब कम नहीं हुई है, उनकी संख्या है। अच्छा। तो अभी भी मतलब जैसे 1:30 बजे से हमारी सर की क्लास है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी से बच्चों की इतनी लाइन बन गई कि आधा क्लासरूम भर चुका है अभी। अच्छा। हम वहाँ से बैग रख के बिना खाए पिए हम लोग बस नहा धो के सुबह 8 बजे से हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, क्लास के लिए। जी बिल्कुल। तो इस दिन के लिए आज पहला दिन है दृष्टि का यहाँ पर नोएडा में, इसके लिए कितनी एक्साइटेड थी आप, कब से वेट था? वेट का तो क्या था, लेकिन हाँ वहाँ से बहुत अच्छा एरिया था, बहुत ही कंफर्टेबल रहा हमारे लिए, और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए सिक्योरिटी मायने रखती है, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, एरिया खुला है, तो मतलब लगता है कि हाँ आगे आने वाले समय में बहुत ग्रोथ होने वाला है। और रियलिटी जैसे कहते हैं ना कि दृष्टि बाप है कोचिंग का, मैंने सुना है ऐसा कि मुखर्जी नगर में भी नींव उसी ने रखी थी, तो बाप बाप होता है, तो यहाँ पे भी वही काम दिखाई दे रहा है कि हाँ ऐसा होगा। तो फिर मतलब अब ये नोएडा
यूपीएससी का नया हब बनने वाला है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 110% बिल्कुल बनेगा। हिंदी माध्यम का ज्यादा। हाँ हिंदी माध्यम। आप यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं? हाँ जी, हम डिस्ट्रिक्ट से पहले शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। एक, मतलब हमारा करोल बाग एक महीने से आना जाना था हमारा। तो माहौल कैसा है यहाँ का नोएडा का? नहीं बिल्कुल अच्छा है। मतलब जो बच्चे सोच रहे हैं आने के लिए डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए, क्या कहिए उनसे? नहीं बिल्कुल, वैसे तो एरिया बहुत अच्छा है और बाकी स्टूडेंट्स पर्पज के लिए भी काफी अच्छा है, सेफ्टी वाइज गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर रात में भी निकले तो हर यहाँ पे हर गली में जाके देखेंगे तो गार्ड मिलते हैं बैठने के लिए। थोड़े एक्सपेंसिव पहले लग रहा था जब हम शुरू में गए थे, लेकिन अब एरिया में थोड़ा मतलब जैसे रेंट वगैरह होता है उसमें भी कटौती आई है। मतलब अब हो गया है कि हाँ हमें अच्छा एक्सपेंसिव रूम, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, है लेकिन उस हिसाब से हमें फैसिलिटी भी दी जा रही है तो हमें अच्छा मिल जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच।